Sardar Patel, home to the Northeast Seven Sisters, and the home to thousands of brave men and women who serve on our border. In the past decade, the government of India has spent more than 6,000 crore on building of statues. The Statue of Unity of Sardar Vallabhai Patel in Gujarat alone was worth 2,063 crore rupees. The Statue of Unity is the second largest statue in the world. However, my question here today is, was building of that statue worth it? Good morning, everyone. I'm Varun Malik, and welcome to the first vlog of the Whiteboard Stories. Today, I'm standing in Chandigarh, Sector 16, Rose Garden, and I'm here to know whether all that money spent on the ginormous statues that our government builds, what difference did these statues make in people's love for a nation? And at the end of the day, did these statues really teach people something? Do people around me know what Sardar Patel is known for? हम विकास मेहता जी के साथ हैं। Now we'll ask him what he thinks about the statues that have been built. अंकल, आपको पता है कि गुजरात में भी एक स्टैचू थोड़े टाइम पहले ही बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे। आपको भी पता होगा कि उस पर 2000 करोड़ से ज़्यादा पैसे स्पेंड हुए हैं सेम पे। तो अंकल, आपको क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट इतने पैसे स्पेंड करती है स्टैचूज पे, ये वर्थ इट होता है? कुछ सिखाता है ये हमारे देश के यूथ को और हम लोगों को? जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पहले इनको कहते जो हमारा जो यूथ है, जो बच्चे हैं वो इनको नहीं जानते। जब इनकी कहते प्रतिमा बनी 2000 करोड़ रुपये खर्च किए और दुनिया की सबसे बड़ी कहते स्टैचू है यहाँ पे, तो लोगों ने यूथ ने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया। ये हमारे देश के कहते प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, और उन्होंने पूरे इंडिया को जोड़ने के कहते काम किया। क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो अलग अलग रियासतें बन गई यहाँ पे। हैदराबाद अलग हो रहा था, केरल अलग हो रहा था, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये सारे अलग अलग। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको जोड़ने की कोशिश की और उनको जोड़ा भी। तो इसलिए मतलब जो ये है दो साल पहले स्टैचूज होने चाहिए और बनने चाहिए ताकि आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकोगे हमारे जिले इन लोगों ने क्या क्या बलिदान किया है। तो मतलब कहते हैं कि स्टैचूज जो बनते हैं हमारे यूथ को और हमारे नेशन के जो लोग हैं उनको अलर्ट ज़रूर करते हैं। और ये नेशन बिल्डर, नेशन बिल्डर आपको पता चलना चाहिए कि जो यूथ है कि जो नेशन को मतलब इकट्ठा करना है, एक साथ जोड़ने के लिए कहते क्या क्या उन्होंने कहते क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या चीज़ें की, तो उनके कहते स्टैचूज होने बहुत ज़रूरी हैं।2000 करोड़ खर्चे गए थे। तो अंकल, क्या आपको लगता है कि इन स्टैचूज पे भी, अम्बेडकर का भी बन रहा है उस पर भी 3000 करोड़ खर्चे जा रहे हैं, तो जो सरकार ये स्टैचूज पे पैसे डाल रही है ये किसी काम आ भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं कुछ? गवर्नमेंट बेवकूफ। अच्छा, आप सपोर्ट नहीं करते गवर्नमेंट को? नहीं, अंकल क्यों, कोई रीज़न तो होगा? और जगह काम करो, हॉस्पिटल खोलो, दवाइयाँ फ्री दो। तो हरदयाल सिंह जी कह रहे हैं कि जो ये सेम द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन बिल्डिंग दीज स्टैचूज, दिस द सेम मनी कैन बी नो स्पेंड ऑन अदर एरियाज ऑफ द मिनिस्ट्रीज लाइक द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड द एजुकेशन मिनिस्ट्री। सो दैट इज व्हाट हरदयाल सिंह अंकल इज सेइंग। अंकल, थैंक यू। Deepika, yeah, that's Deepika, and we're going to ask Deepika about the same topic. Now, so Deepika, you know, the government has spent more than 2,000 crores on the building of Sardar Patel Ji's statues in Gujarat. And now, you know, Ambedkar Ji's statue is being built in the Indian Parliament for more than 3,000 crores. Do you think all this expenditure is worth it? And kya logo kuch sikha bhi raha hai ye expenditure? Not at all. In my opinion, utterly useless. Right. And all this could have been used towards some infrastructural development. Right. Or even we see all the farmers, they raise investment for their lives, for the animals, for the life. Even if they divert some of the funds from that, then it will be helpful. It will be helpful. So you don't think that, you know, all this money being spent on these statues, it could be, you know, relocated to a better ministry, yes, or perhaps a better cause, right? So we're almost done with our bite taking and covering the thing. Ahuja covered her topic of, you know, Rose Garden, how it's going, and I covered my statue topic, that, you know, how the government is spending and how those things are, you know, being spent and
what do people think about it? We also, Ahuja can tell you, we also met a government family. It was a government family. They had a very bold view about, you know, it was parents and the daughter. So all three of them had a very, you know, raw view about it. That, you know, what the government is doing is an absolute wastage. And, you know, same things could be spent, same money could be spent in other ministries or, you know, a better cause. Taking bite was very hard here because people usually, you know, don't tell you their views in a public place, especially when strangers are approaching them. So I guess, Ahuja, that's a wrap for today.